हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RN45 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक से हज़ार तक का टेबल, एक से हज़ार तक का टेबल कैसे निकालें या कैसे याद रखें, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। एक से हज़ार तक का टेबल निकालने के लिए सबसे ज़रूरी बात, आप लोगों को एक से नौ तक का टेबल याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को एक से नौ तक का टेबल याद है तो आप लोग हज़ार तक की, एक से हज़ार के बीच किसी भी संख्या का टेबल निकाल सकते हैं, वो भी आसानी से। तो अगर आप लोगों को एक से हज़ार तक का टेबल निकालना सीखना है तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं चलता हूँ आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है एक से हज़ार तक का टेबल कैसे निकालें, वो भी ट्रिक से। सो लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। एक से हज़ार तक की संख्या में कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनका टेबल निकालना सभी लोग जानते हैं, जैसे एक दो तीन चार पाँच से लेकर नौ तक, दस बीस तीस चालीस से लेकर सौ तक, सौ दो सौ तीन सौ चार सौ से लेकर हज़ार तक। इन सब संख्याओं का टेबल निकालना आपके लिए काफ़ी ईजी है। तो इन सब का टेबल तो आप लोग जानते ही होंगे, तो मैं इन सब संख्याओं का टेबल नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। मैं उन्हीं संख्याओं को बताने वाला हूं जिनका टेबल निकालने में आप लोगों को कठिनाई होती है, जैसे 23, 44, 56, 126, 344। जैसे हिंदी में बोलूं मैं 417, 918, 856, 57, 78, ये सब डिजिट ऐसे हैं जिनका टेबल निकालना आपके लिए इजी नहीं है, लेकिन आज के बाद ये भी आप लोगों को इजी लगने लगेगा, बस आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ टू डिजिट का कोई भी नंबर, जैसे 57। अब 57 का टेबल कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, 57 में 5 है 7 है, यही दो डिजिट है। 57 में 5 है 7 है, ये दो अंक हैं। तो 5 7 का पहाड़ा तो आप लोग जानते ही होंगे। मैंने शुरू में ही कहा था अगर आप लोगों को 1 से 9 तक का पहाड़ा याद, आप लोग किसी भी नंबर का टेबल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे संख्या क्या है, 57। अब 57 में दो अंक हैं 5 7, तो सबसे पहले 5 और 7 का टेबल लिख दीजिए, 5 का टेबल लिख दीजिए और 7 का, उसके बाद देखिए। ठीक है, तो 5 7 का टेबल लिख दिया आपने। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है करना क्या है। तो 57 का टेबल बनाना है, तो देखिए अब कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखिए बराबर, तो पहला तो मान लीजिए 57 यहाँ से सबको आ रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे करना क्या है देखिए ध्यान से, फर्स्ट डिजिट जो दिखाई देगा उसको वैसे ही लिख देंगे 4, और बाकी जो बचेगा, बाकी क्या बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 10, इसको जोड़ देंगे, 10 एक 11, 11 लिख दीजिए, ये हो गया आपका 57, 57 दूनी 114 हो गया। बस यही करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 1 है, बाकी जो बचेगा 2 प्लस 15 17, ये भी हो गया आपका। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 8, बाकी 2 20 प्लस 2 22, ये भी हो गया आपका। यहाँ से 5 25 3 28, यहाँ से फर्स्ट डिजिट 2 30 4 34। ठीक है, बस यही करना है आप लोगों को। 9 है यहाँ पे पहला डिजिट, 35 4 39, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 6 जोड़ देंगे 45 आएगा, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 3 है 45 6 51 आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 0 है, 50 प्लस 7 57, ये है आपका 57 का टेबल रेडी हो गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग टेबल निकालेंगे। यह तो मैंने सिखाया 57 का। जैसे अब दो अंक का कोई भी और संख्या ले लेंगे, जैसे 63, 79, 98, इन सब का भी आप लोग इसी तरीके से निकालेंगे। तो अगर आप लोगों को दो डिजिट का और सीखना है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इस पर, इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने डिटेल में पढ़ाया है एक से सौ तक का टेबल, तो यहाँ से आप लोग एक से सौ तक का सीख सकते हैं। तो
आज मैं बताने वाला हूँ 100 के ऊपर की संख्याओं का, क्योंकि मुझे 1000 तक का बताना है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए आप 100 तक का टेबल इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब मैं चलूँगा आगे। तो जैसे मैं आप कोई 3 अंक की संख्या ले लेता हूँ, जैसे है आपका 108। अब 108 का टेबल कैसे निकालेंगे? 108। तो 108 का टेबल निकालने के लिए आपको सबसे पहले वही प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले आपको 1 का टेबल लिखना होगा, उसके बाद 0 का, तो वही होता है 000, 0 का टेबल लिख देंगे, उसके बाद 8 का टेबल लिखेंगे। इन तीनों का टेबल लिखने के बाद आप लोगों को जस्ट वही प्रोसेस करना है जो आप लोगों ने 57 में किया। 57 का टेबल मैंने पढ़ाया, उसमें जो आप लोगों ने प्रोसेस किया, बस वही प्रोसेस इसमें भी करना है। तो देखिए 108 सबका पहाड़ा लिख दीजिए। तो अब यहाँ पे पहाड़ा लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे 1 का पहाड़ा है, ये 0 का है, ये 8 का है। अब आप लोगों को बनाना है 108 का टेबल। तो फर्स्ट में देखिए सब सिंगल डिजिट है, तो फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सिंगल डिजिट है, 108 हो गया। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट क्या है, 6 है, फर्स्ट डिजिट 6। अब जो यहाँ पे बचा है 1, 1 को जोड़ेंगे इसके साथ, 1 ही आएगा। अब जो बचेगा लास्ट में उसको जोड़कर लिख देंगे, लास्ट में 2 ही बचा है, तो ये हो गया आपका। यहाँ से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 4 है, 2 को जोड़ेंगे 0 के साथ तो 2 ही आएगा, यहाँ पे बचा है 3, ये भी हो गया। ये मैं आसान नंबर का भी सिखा रहा हूँ, इससे जब कठिन आएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या करना है। देखिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डिजिट 2, 3 को 0 के साथ जोड़ेंगे 3 आएगा, बाकी बचा है 4, हो गया ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, ये आपका 2 है, ठीक है, 2 है वो, ठीक है 0। अब इसको जोड़ेंगे इसके साथ, 4 बचा है 5, हो गया ये भी। यहाँ से देखिए 8, 4 0 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे है 6 फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। तो फर्स्ट डिजिट आपको ऐसे ही लिख देना है, बाकी जो बचेगा उसको इसके साथ जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 7 9, यहाँ पे आपका आएगा 0 8 10। तो ये है आपका 108 का टेबल। ये तो मैंने काफ़ी इजी नंबर लिया था, इसलिए काफ़ी आसान लगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा लेता हूँ इससे थोड़ा सा कठिन नंबर, ठीक है, जैसे है आपका 137। तो सबसे पहले 137 में आपका 1 है, 3 है, 7 है, तो इन सब का टेबल आप लोग लिख लीजिए। इन सब का टेबल आप लोगों को लिखने के बाद आप लोगों को वही प्रोसेस फिर से करना है। देखिए तो यहाँ पे है 1 का टेबल, 3 का टेबल, 7 का टेबल। देखिए तो क्या आएगा, टेबल बनाइए। तो फर्स्ट सब सिंगल डिजिट है, फर्स्ट तो ऐसे ही हो जाएगा, दूसरे से कहानी शुरू होगी। दूसरे में आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट वैसे ही लिखना है, बाकी जो बचेगी संख्या उसको इसके साथ जोड़ना है, 6 1 7, और जो बचेगा उसको लास्ट में लिख देना है। फिर से 1 लिखिए फर्स्ट डिजिट, 2 को इसके साथ जोड़िए, 9 2 11 को 1, अब 3 में 1 जोड़ देंगे, 411 ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिजिट 8 है, इसके साथ जोड़ेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे 8 तो आपने लिख लिया, यहाँ पे 2 है, 2 को इसके पहले वाले डिजिट के साथ ही जोड़ेंगे, यानी इकाई पे जो होगा 2 के साथ 2 जोड़ेंगे, 2 के 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, बाकी 1 को इसके साथ जोड़ेंगे, 4 1 5, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट तो वैसे ही लिख देना है, फर्स्ट 5 है, 5 लिख दीजिए। अब 3 को इसके साथ जोड़िए, 5 3 8, इसके साथ इसको, 5 1 6, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2, 8 4 12 को 2, 6 1 7, 1 बचेगा 8, यहाँ से 9 लिखिए, 4 1 5 7 2 9, बस यही करना है आप लोगों को, 6 5 4 9 8 2 10। फिर से सुन लीजिए, पहली संख्या को वैसे ही लिखना है 3, और इसको इसके साथ 7 6 13,
अब 9 2 11 आएगा और एक बचा हुआ है 12। अब यहाँ पे देखिए 0 7 आएगा, 10 3 13, तो ये हो गया आपका 137 का टेबल। तो बताइए आप लोगों को 137 का टेबल निकालने में कितना समय लगा। अगर आप लोग 2 से 3 प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग 5 से 6 सेकेंड के अंदर 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो आप लोग टेबल निकाल सकते हो। जैसे मैं और बड़ी संख्या लेता हूँ, जैसे है 479। देखिए अब 479 का टेबल निकालने के लिए फिर से आप लोगों को उसी प्रकार 479 का टेबल लिख लेना है, फिर से उसी प्रकार। तो आप पहला वाला तो वैसे ही हो जाएगा 479, यहाँ से देखिए फर्स्ट डिजिट वैसे ही लिखना है 8 है। अब इसको इसके पहले डिजिट के साथ जोड़ेंगे तो 1 4 5 आ जाएगा, बाकी जो यहाँ पे 1 बचेगा 1 को इसके साथ 8 1 9। फिर से यहाँ पे देखिएगा पहला डिजिट वैसे ही लिखिए, 2 को 1 के साथ जोड़िए, 2 1 3 12 2 14, ये भी हो गया आपका। यहाँ पे देखिए 6 8 3 11 और 16 2 18, ठीक है, और एक बचा हुआ है 19। यहाँ पे 8 3 11 को 1 है, 1 बच जाएगा, तो 16 2 18 1 19। फर्स्ट डिजिट 5 5 4 9 20 3 23 हो गया। फर्स्ट डिजिट 4 5 2 7 24 4 28, ये भी हो गया। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, 3 9 6 15 को 5 1 बचेगा, 28 4 32 1 33, ठीक है 33 हो गया, यानी 33 53 हो गया। ये यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2 है, 7 6 13 और 32 5 37 1 38, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 1, अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे 8 3 11 को 1, अब जो बचेगा सबको जोड़ देंगे, 36 6 42 1 43, ये आ गया आपका 43 11। यहाँ पे देखिए 0 आएगा, इसके साथ जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 40 7 47, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेबल ऑफ 479, यानी 479 का टेबल भी आप लोगों का तैयार हो गया, ठीक है। तो अब मैं लास्ट नंबर का सिखाने वाला हूँ, जैसे है आपका 927, ये आपका आखिरी नंबर है। तो देख लीजिए ये है आज का लास्ट नंबर 927, 927 का टेबल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप चलते हैं 927 का टेबल बनाते हैं। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे तो 927 सब में सिंगल डिजिट है तो वैसे ही उतार देंगे। यहाँ से देखिए तो सबसे ज़रूरी बात है कि 927 इन टेबल का तीनों का टेबल लिखने के बाद ये क्रिया करना है, ठीक है। यहाँ पे 927, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला डिजिट आप लोगों को वैसे ही लिखना है सब में, ठीक है। अब जो बचेगा 1 1 को इसके साथ जोड़ देंगे, 5 आएगा, ठीक है, 4 1 5। अब जो बचेगा उसको लिख देंगे, यहाँ पे 18 बचा हुआ है, 18 लिख दीजिए। यहाँ से देखिए पहला डिजिट 1 6 2 8, जो बचेगा उसको लिख दीजिए 27। यहाँ पे देखिए 8 8 2 10, एक बच रहा है तो 36 में एक जोड़ देंगे, 37, ठीक है। इस प्रकार निकालेंगे, बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ पे 5 3 को 0 के साथ जोड़ेंगे, ये नहीं कि 10 3 13 करेंगे, 3 को 0 के साथ 3 आएगा। अब 45 1 46, ये भी हो गया आपका। यहाँ पे देखिए पहला डिजिट 2 4 2 6 54 1 55, ये भी हो गया आपका। पहला डिजिट 9 4 4 8 63 1 64, ये भी हो गया आपका 64 89। पहला डिजिट 6 6 5 11 72 1 73, यहाँ पे है ना 72 1 73, ठीक है। यहाँ पे 3 8 6 14 81 1 82, और एक वहाँ से बचा हुआ है यानी 83, क्या हो जाएगा 83। अब लास्ट बचा हुआ है आपका, देख लीजिए 0 7 0 7 आएगा, 90 2 92,
तो ये हो गया आपका 927 का टेबल भी तैयार। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट नंबर आज का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।